दक्षिण अफ्रीका को पुणे टेस्ट में रौंदकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। बता दें आपको कि भारतीय टीम ने पारी और 137 रनों से दक्षिण अफ्रीका को रौंद दिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की। बता दें आपको कि भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पुणे में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम इंडिया के विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने विकेट के पीछे हवा में सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जबरदस्त कैच लपका और टीम इंडिया को सफलता दिला दी। वहीं दूसरे कैच में साहा ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए डुप्लेसी के कठिन कैच को अपने दस्तानों में कैद कर लिया। दक्षिण अफ्रीकी टीम चौथे दिन सुबह फॉलो ऑन खेलने उतरी, लेकिन उसने अपना पहला विकेट पहले ही ओवर में गंवा दिया। इसके बाद थ्यूनस डिब्रायन बल्लेबाजी करने उतरे और वो एल्गर के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उमेश यादव की लेग स्टंप को छोड़कर बाहर जाती गेंद को वो फाइन लेग पर खेलने की कोशिश में गेंद बल्ले से लगी और तेजी से बाउंड्री की ओर जाने लगी। तभी विकेट के पीछे मुस्तैद साहा ने हवा में छलांग लगाते हुए गेंद को अपने दस्तानों में समेट लिया और डिब्रायन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 6 ओवर की चौथी गेंद पर भारत को दूसरी सफलता मिली। इसका वीडियो भी बीसीसीआई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर किया है। दूसरी बार में साहा ने एक बार फिर समझदारी दिखाई और विपक्षी टीम के कप्तान फाफ डुप्लेसी का कैच लपक कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। फाफ के बल्ले से गेंद लगकर विकेट के पीछे चली गई। अश्विन की इस गेंद में अतिरिक्त उछाल थी, इस वजह से साहा के ग्लव्स देरी से गेंद की लाइन में आए क्योंकि गेंद बल्ले से लगकर ऊपर की ओर निकली थी। साहा ने 3 अटेम्प्ट में ड्राइव लगाकर कैच लपक लिया और डुप्लेसी को भी चलता किया। इस टेस्ट सीरीज में टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत की जगह साहा पर भरोसा जताया था और टीम में जगह दिए जाने के बाद कप्तान कोहली और कोच शास्त्री इस बात को दोहरा चुके हैं कि साहा इस समय दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर्स में से एक है और साहा ने यह दिखा भी दिया कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक विकेट कीपर्स में से एक है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।